नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं टेक्निकल इरशाद अहमद। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि एयरटेल और जियो ने अपनी अपनी 5G की सेवाएं ऑफिशियली रूप से लॉन्च कर दी है। एयरटेल ने अपने मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, सिलीगुड़ी, बनारस और नागपुर में लॉन्च किया है, और जो हमारा जियो है वो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बनारस में लॉन्च किया है। अगर आप इन किसी शहरों में हैं तो आप 5G का जो मज़ा है वो ले सकते हैं, ठीक है। बाकी और सब जो राज्य हैं उनमें अभी आने में समय है, दिसंबर के लास्ट तक हम सभी 5G का मज़ा ले सकते हैं। मगर अगर आप इन राज्यों में हैं तो आप 5G का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है और क्या हो रहा है ऐसा भी सुनने में आ रहा है। मेरे एक आध दोस्त लोग हैं इन राज्यों में, वो कह रहे हैं कि यार मैं तो दिल्ली में हूँ या कोलकाता में हूँ या सिलीगुड़ी में हूँ तो मेरा 5G वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ बता दूँ कि एयरटेल या जियो 5G के यूज़ करने के लिए आपको कोई भी सिम नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। जो आपके पास सिम है, मान लीजिए आपके पास एयरटेल का पुराना सिम है और वो 2-3 साल पुराना आपका सिम है, तो आप उसी पे आप 5G का मजा ले सकते हैं, 5G का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, हो क्या रहा है कि जो एयरटेल है उसका स्टैंड अलोन 5G सिम नहीं है, वो 4G पर निर्भर है, ठीक है। तो आप घबराए नहीं, आपको कोई भी सिम नहीं लेना है। और अगर आप उस इन 8 राज्यों में हैं या जियो के 4 राज्यों में हैं और आपका फ़ोन नहीं काम कर रहा है 5G, इसके बावजूद भी कुछ सेटिंग्स करनी है, मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ, ठीक है। आपको ले चलता हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और वहाँ बताता हूँ कि आपको क्या सेटिंग्स करनी है। इन सेटिंग्स करने के बाद आप 5G का मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों, मोबाइल में एरोप्लेन मोड को ऑन कर लेंगे। एरोप्लेन मोड को ऑन इसलिए करेंगे ताकि पास का नेटवर्क सर्च कर सके। उसके बाद ऑफ़ कर देंगे, सेटिंग में जाएंगे, कनेक्शन पर क्लिक करेंगे। कनेक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन आएगा, मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें 5G का ऑप्शन सबसे ऊपर आ जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे सेलेक्ट करेंगे मोबाइल के सबसे टॉप पर हमारा 5G का नेटवर्क शो करेगा, ठीक है दोस्तों। 5G यूज़ करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका जो फ़ोन है वो 5G सपोर्ट करता हो। अगर वो 5G सपोर्ट करेगा तभी आप 5G की सर्विस ले सकते हैं। दोस्तों, एयरटेल ने एक चीज़ बहुत बढ़िया काम किया है कि इस समय एक लिस्ट उन्होंने एक अलग ही लिस्ट बना करके वेबसाइट पर लॉन्च कर दिया है। आप इस लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि आपका फ़ोन 5G सपोर्ट करता है कि नहीं। दोस्तों, मेरे डिस्क्रिप्शन में वो लिस्ट मैंने अपने डाल रखा है। आपका अगर फ़ोन 5G सपोर्ट करता है तो आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए आपका फ़ोन 5G सपोर्ट करता है कि नहीं। दोस्तों, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो थोड़ा सा कहीं के हड़बड़ा जाता हूँ, सॉरी फॉर दैट। और हाँ, अगर आपका फ़ोन आईफोन है तो अभी आईफोन के लिए OT ने अपडेट नहीं दिया है, अभी आईफोन में 5G सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आईफोन वाले जैसे ही OT अपडेट देंगे तो आपका आईफोन में 5G चलने लगेगा। साथ ही साथ और आपको बता देता हूं कि अगर आप इन राज्यों में हैं और आपने जो मैंने नेटवर्क में जा करके कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग बताई, अगर वो कॉन्फ़िगरेशन भी कर दिया है तब भी आपका फ़ोन 5G नहीं चल रहा है, 5G सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो दोस्तों घबराए नहीं। अभी और जो मोबाइल कंपनियां हैं वो OT अपडेट पुश करेगी, आपके जो भी मोबाइल कंपनियां हैं जब आपके मोबाइल पर अपडेट आएगी, OT अपडेट, आप अपने फ़ोन को अपडेट कर दोगे, देन आपका फ़ोन 5G वर्क करने लगेगा। दोस्तों घबराए नहीं, अभी इस पर काम चल रहा है, हमारे जितने भी मोबाइल की सर्विसेज हैं, जितने भी मोबाइल की कंपनी है, वो सब काम कर रहे हैं। सॉरी, फोन आ गया किसी का, कोई इशू नहीं। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से 5G लॉन्च हुआ, कहाँ लॉन्च हुआ और किस तरीके से अगर हमारा फ़ोन में 5G नहीं चल रहा है तो हम कौन सी सेटिंग करें कि हमारा 5G वर्क करने लगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पे और इस तरीके की छोटी मोटी वीडियो मैं लाता रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, लव यू।